जुबान की कीमत हमेशा ही हुई है। हम बैठे हैं, थोड़ी देर बात करी है, कम ना कम तो प्रॉफिट यार मिलेगा ये लल्ला। हाँ यार तेरा बात का झूठा का मंडा है क्या यार, हम प्रॉफिट जो लेके आए हैं ना वो एक व्यवहारिक प्रॉफिट लेके आए हैं। अरे यार देखो तुम्हारे पास पैसा है तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तुमने सामान खरीद लिया ना, बस ठीक है। कभी उस चीज़ को वैसे मत सोचो कि तुम्हें नुकसान हुआ या फायदा हुआ, फिर जब तुम खाओगे ना तभी तुम्हें ऐसा नहीं फील होगा कि ये लामरे लग रहा है। भाई एक छोटी सी चीज़ होती है उसको लोग कितने महंगे महंगे में खरीद लेते हैं, वो ये थोड़ी सोचते हैं। एक नॉर्मल सी यार एक वो होती है पेंटिंग, यार एक कॉफी 100 रुपए की भी मिल रहा है, एक कॉफी 800 की भी मिल रहा है। कॉफी से मेरे को याद आया कुछ दिनों कितनी महंगी कॉफी बताओ था, रोहित पी का है क्या की बताइए 1200 की तो भाई तुम मेरे साथ चलो। कॉफी का पैसा नहीं होता, को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कॉफी का पैसा नहीं होता, जहाँ पे वो कॉफी बन रही है और जो बना रहा है उसका पैसा होता है, एक एम्बियंस का पैसा होता है। एक भाई बड़े बड़े 5 स्टार है उसके अंदर नॉर्मली तुम्हारी 500 रुपए की चाय है तो उसमें वो चाय का थोड़ी पैसा है, वो तो जो एम्बियंस उन्होंने बना रखा है, जो होटल बना रखा है उसका पैसा है, लग्जरी का पैसा भाई, वो लग्जरीज का पैसा लेते हैं हमेशा। कहीं कहीं 100 रुपए की, कहीं अगर 100 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है ना तो तुम उनकी सर्विस ले रहे हो। क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन करूंगा, उसमें कौन सी लग्जरी से 1200 वाली कॉफी में भाई हो, अगले तो पूछ। कॉफी में लग्जरी नहीं होती है, बैठने वाली जगह, बैठने वाली जगह की। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे, वही कॉफी वहाँ मिल जाएगी 100 रुपए वाली, अब वो लग्जरी उसने सस्ते में कैसे दे दी? 1200 वाली कॉफी जो पिलाई है उसने लग्जरीज की दे दी, अब 100 रुपए की कॉफी और ऑर्डर करूंगा मैं नॉर्मल वाली, उसी जगह बैठा के पिलाएंगे ना, कैसे कम हो गया? ना एक टाइप की नहीं होती है, उसके जो बीन्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके उसके अलग अलग क्वालिटी। देखा क्वालिटी पे आ गया लग्जरीज भाई, तो एक टाइप की कॉफी थोड़ी है। अच्छी बात है, मैं तेरी बात से एग्री करता हूं भाई, BMW मिल रही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ब्रदर, तो अलग अलग क्यों बना रही है? तो उसके वेरिएंट है, वेरिएंट के अलग अलग पैसे हैं। तू गाड़ी देखना पसंद करेगा? भाई 2000 की बोतल आती है दारू की, बार में बैठोगे तो 3-3.5 की हो जाएगी, और एक एक पैक लेगा ना तुम, बोतल तेरे को पड़ेगी 12,000 रुपए की बस। उसके बाद फिर तुम और किसी बड़े 5 स्टार और उसमें चले जाओगे तो वही उस बोतल का कीमत 12,000-15,000 अंदर देखना पसंद करेगा। दिखा दे यार बंदर, दिखा दे तो तेरा कौन सा किस है वो बंदर जो तेरा गैल रहा हो रहा है। काल क्यों ना बनाई तूने वीडियो है, जब तू ऊपर करके आज मेरा मूड अच्छा होगा ना, मूड अभी बुरा होगा, 12 घंटे तक मैं ट्रैवल करूंगा तेरे, 12 घंटे तक मैं तेरा ओ डॉट दे रहा है यो बरा ट्रैवल कर रहा है ना, उनको ऐसी कदर ना थी लेकिन अपने उसूल। हां वो जिद जिद की बात थी बस, वो चल लेगी गाड़ी में, वैसे मजा आ रहा है, हरियाली खूबसूरती नेचर को देख के कितना। तने लॉक कर दिया होगा फोन, एक डंडा रह रहा दिन जना शॉर्टकट जाना है ना माता वैष्णो के लिए तो कटरा जाइए। चलती
और ऊपर जा बेटे हटे थी तो बहुत आसान है जी तो मजा रहता है उड़े कुण में उड़े देख उड़े कुण में जाऊ बेरा लग गया मांगे ना और क्या भाई है तो मैं अर्ध कुंवारी पर मेरी साइकोलॉजी बदलने लग रहे ऐसे ऐसे तरीके बताने लग रहे मगर तुम मेरे को बग ढूंढने से यहाँ लगवाया वीडियो चालू कर रखी है वीडियो अरे बता दे क्या क्या हुआ क्या हुआ था इसने किस शब्द कही थी डिमोटिवेट कौन कर रहा था मेरे को अरे भी रोड सपोर्ट करना है रिचार्ज करना था फर्स्ट बात मत पतल पलटा है रिचार्ज कर पहले इसका रोड सपोर्ट होने भाई इंटरनेट इंजन वो एक मिनट हां भाई पहले मुंह बात पा रहे सामने बता किसने कही थी तार मत ना भाई मारे ना किसने करी थी उस बात सारी बात साची बता दे तू आप नहीं बता मैंने उस बात करी कि नहीं करी मैंने पांच छह बात करी तो तन्ने तन्ने कहीं भाई तेरे जैसा कोई आदमी है नहीं जब मैंने बात कर ली सारा प्रोसेस मारे आ गया बोर पद है नहीं बोलया झूठे मैं लौट गया मैं ठाया ही ना मैं सुन लग रहा काम उड़े ऊपर साइकोलॉजी चेंज मैं करूंगा मेरे आगे नहीं बोलया भाई मन्ना ने लगा नंबर लगवा दिया वे आदमी थे उनके घर भेज दिया अरे एकदम में तो नहीं बोले हम तो तीन चार टिकट ले रहे हैं हाथ में उड़े समझ गया जब मैंने मारी है क्यों बता ही पागल लेकिन कल धमाके से खराब हो रहा था बात करने का जी ना करा फिर इन बारे में भाई बता भाई झूठे बोर पादरी खत्म करा अगला कर बंदे का नंबर लगवाया मनु तो बात करी मां भाई कितने बंदे हो तुम नला तीन है मलला तू इनके साथ चला था मलला भाई मेरे को लेके चलोगे मैं लेके क्यों नहीं चलेंगे लेके जाएंगे तने जब ये लला गया फिर मैं की चप्पल लेके आया बाऊजी की पहले तो मैं फोन लिया बाऊजी का ठीक है फोटो खिंचवाने तो बहुत तगड़ा भी होया कितना एग्री करेगा भाई तू लल्ला इसकी बात पे सारा करना पड़ेगा तुम झूठी बात मानो ना मानते ले झूठी बात पा गए और तू अमदा आ तू दरवाजे रे सर सुरा बदर दे झूठी बात ना होती तेरी है मैं ये सुसाना खा रहा हूं उड़ाटे बड़े खा ले तू लल्ला की दुकान खड़ा हो गया उस स्पीड में वे शख्स देखूंगा जो जिस पॉसिबिलिटी दिखे थी ये इफ यू मन पड़ता था पूरा मन भी पड़ गया जो दिख रहा था उस सदन इसने कहा तूने कहा कि दीपांशु शेरावत मैंने नाम बुलवाया मेरे को सुनाई नहीं दिया ना भाई मैंने सुना मंत्र नाम सुना मैंने दीपांशु सुना शेरावत ना सुना मैंने दीपांशु सुना ये ज्यादा टाइम बाद आए
सामने तना को पाके दरबार को ले बता ये लला बंदा करवाए भाई के बता भाई बोले सामन चिगारा ने ही मिलिट्री वालों से बात करी मिलिट्री वाला इसका चचा का दोस्त था और जैसे ही सावन के दर्शन किए वो आया सावन क्या कैसे आपको कोई याद नहीं होता तुरंत एंट्री कराएंगे हम हमारी चलती है इतनी उसने ऐसे ही कर दिया यार सावन बोला ये अपना भाई है मैं तो करूंगा नहीं दर्शन इसको एंट्री करो उसने मेरे को वीआईपी लाइन में लगवाया जहाँ 150 की तादाद में व्यक्ति खड़े थे और वैसे ही मेरी एंट्री होगी और दर्शन के लिए माता जी बोली आप बैठ लिये यहाँ माता जी खुद आई ये भी तो हो गया था कि गुफा बंद होने वाली थी और फिर खुल सारी चीज बोले आगे रहे हो तो इसी बात ना को मोटा ना लग रहे घबराहट हो जाना जिसका सब निकल जा भाई सब निकल जाते हैं घड़ी मोटी मोटी लोग आई थी इधर तक मैं भी लिख रही तू ना लगन का आया तेरे पे या कि भाई आईआईटी जम्मू देखो बात ना भाई अल्लाह झूठ बोल रहा है मैंने उनसे बात करी भाई प्लीज हम इसे जान दो फिर उन्हें जान दिया फिर मैं उन्होंने कहा भाई तेरी से बाला का उड़ाई पता नहीं ये पता उस टाइम पे एआई ट्रिपल ही हुआ करता या बच्चे ही तेरे दिया था पहले एआई ट्रिपल हुआ एआई ट्रिपल हुआ अर्थार मैंने दिया था मेरी उसमें गवर्नमेंट काउंसलिंग ना हुई लेकिन प्राइवेट हुई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थी तेरे को पता नहीं है ऐसा है मेरा ये क्या बैट लगवा रहे हो क्या भाई यहां पे सिफारिश नहीं क्या मेरा अपना कर्नल भाई है ले लो ऑफिस का ट्रांसफर हो चुका है पंजाब पुलिस के साथ आ जाओ ना ना सिफारिश पता लगेगी तुम्हें जम्मू पुलिस यही मारेंगे भाई